आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिंगरौली जिले में कांग्रेसियों को एकजुट करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रयास शुरू किए। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए वर्तमान भाजपा सरकार की कमियों को गिनाते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताने का वादा किया। पत्रकारों के सवाल जवाब में उन्होंने माना कि सिंगरौली जिले में कांग्रेसियों के मतभेद और एक दूसरे के अंतर्कलह से पार्टी का जनाधार तीसरे स्थान पर खिसक चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा, आज मध्य प्रदेश में तीन तरह की भाजपा हो चुकी है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। दरअसल कांग्रेस की गिरती साख को बचाने के लिए दिग्विजय सिंह ने टीएमएफ से लेकर ऊर्जा धानी में सड़क, पानी, बिजली पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़कर जीतने की हुंकार भरी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष द्विवेदी ने पूछा, क्या पूर्व में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जो पार्टी के अंदर भितरघात कर नुकसान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाने में पार्टी की क्या भूमिका होगी? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी को हर गतिविधि मालूम है, इस बार पार्टी सोच समझ कर टिकट देगी, साथ ही इस बार किसी भी तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। सूर्य भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल, जिला प्रभारी रामेश्वर निखरा, संयोजक जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, राम अशोक वर्मा, हरमी सिंह मंगू भाई, रीनू शाह, देवेंद्र पाठक, ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू की उपस्थिति रही। पॉल्यूशन के बारे में जो नियम थे, जो प्रिंसिपल थे, उनका उल्लंघन हो रहा है और राज्य सरकार के अधिकारी सिंह ने हराया था, ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, इनको जिला अध्यक्ष बना दिया गया, इनको फिर महापौर का टिकट दिया गया। जैसे आपने कहा, कांग्रेस की ही कांग्रेस को हरा रही है, ऐसे लोगों को फिर टिकट दिया जाएगा या नया चेहरा? बात साफ है कि इस मामले में किसको टिकट मिले ना मिले ये पार्टी जरूर तय करती है, लेकिन पार्टी भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देखती है। उसके बारे में क्या रणनीति है? रणनीति ये है कि ठोक बजा के विधायक ऐसे बनाएंगे कि राजा महाराजा तो बिक गए, आदिवासी हमारा नहीं बिका, दलित नहीं बिका, एमएलए बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी हमको आइटम कहते हैं और उसके बाद नारी सम्मान की बात करते हैं, क्या कहेंगे? कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में कहा है मुझे जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि मंत्री देवी ने ये बयान दिया, मैं मौके पर उपस्थित नहीं था। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।